इसके लिए तो दोषी दो ही व्यक्ति है ना, उनके पिताजी उनकी माताजी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तो इसके लिए दोषी वही है कि आपने काम नहीं किया। तब तो लोगों को आज हॉस्पिटल की चिंता करनी पड़ रही है। ये पूरी तरह पूरे बिहार के लिए उत्साह का समय रहेगा और 1 तारीख से सभी लोग, पूरा बिहार लगा हुआ है, कैसे हम अयोध्या जाएं, तो लंबा चलेगा ये। लगभग 450 वर्षों से इस देश में प्रभु श्री राम के अनुयायी और इस देश के लोग, सनातन धर्म के लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारे प्रभु 450 वर्षों से एक टेंट में विराजमान थे और 22 तारीख को आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा और साधु संतों के द्वारा उनको एक भव्य राम मंदिर में स्थापित करने का काम किया जाएगा। ये पूरी तरह पूरे बिहार के लिए उत्साह का समय रहेगा और 1 तारीख से सभी लोग, पूरा बिहार लगा हुआ है, कैसे हम अयोध्या जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 22 तारीख को आग्रह किया कि आप नहीं आकर दूसरे दिन आए, तो लंबा चलेगा ये। 6 महीने तक लगातार बिहार के लोग वहाँ जाकर पूजा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो सपना साकार हुआ है 450 वर्षों के बाद सनातन धर्म के लोगों के लिए कि प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं। हमारा बयान आ रहा है कि अगर किसी का तबीयत खराब होगा तो वो मंदिर जाएगा या अस्पताल जाएगा। नहीं, इसके लिए तो दोषी दो ही व्यक्ति है ना, उनके पिताजी उनकी माताजी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तो इसके लिए दोषी वही है कि आपने काम नहीं किया। तब तो लोगों को आज हॉस्पिटल की चिंता करनी पड़ रही है। और दोनों दो चीज है, धर्म हमारे शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए चीजें हैं, और इलाज हॉस्पिटल जो है वो शरीर की शांति के लिए। तो जो व्यक्ति ये समझ नहीं पा रहा हो कि आत्मा की शांति और शरीर की शांति के लिए क्या काम करना पड़ता है, उस पर क्या बोलना। लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी ने, जहां राहुल गांधी जी के दादाजी, पिताजी, माता और दादी जी तीनों ने इस देश को लूटने का काम किया, इसलिए गरीबों का कल्याण नहीं हो पाया, और लालू जी के बेटे यदि ये बात बोल रहे हैं, तो उनको पहले हिसाब देना चाहिए कि उनके माताजी और पिताजी ने 15 साल क्या किया।